welcome back to our channel Beyoners English. Today our topic is Sea Dwells Among the Untrodden Ways by William Wordsworth. और उनकी जो ये poem है वो उनकी girlfriend Lucy के ऊपर, उनकी beloved Lucy के ऊपर लिखी गई है. वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्होंने उनके ऊपर poem लिखी है. और उन्होंने बताया कि वह नेचर में ही पली बड़ी है और नेचर से ही रिलेशन रखती है. तो वे कहते हैं कि सी डिवेल्स अमोंग द अनट्रोडन वेज. अनट्रोडन वेज का मतलब होता है अनट्रोडन वेज का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर बहुत कम लोगों की पहुँच हो या फिर बहुत कम लोग जहाँ पर जाते हो, क्योंकि वो पहाड़ों पर रहती थी. तो सी डिवेल्स वह पली बड़ी है अमोंग द अनट्रोडन वेज, सुनसान जगहों पर. सी डिवेल्स अमोंग द अनट्रोडन वेज, वह सुनसान जगहों पर पली बड़ी है. बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डव. डव बिसाइड का मतलब बगल में, स्प्रिंग्स का मतलब झरने, ऑफ डव, डव मतलब डव नदी, डव नदी के झरनों के बगल में. ए मेड, मेड का मतलब एक युवती. देयर वर नन टू प्रेज, उस वह एक युवती है. देयर वर नन, जिसके लिए कोई नहीं है. टू प्रेज, जिसका वर्णन करने के लिए, जिसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए कोई नहीं है. एंड वेरी फ्यू टू लव, और उसे उसे प्यार करने वाले भी बहुत कम हैं. ए वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब क्या होता है, जामुनी कलर. बाय द मोजी स्टोन, ए वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब इसके अंदर एक फूल, जामुनी कलर के फूल के लिए प्रयोग किया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत होता है. ए वॉयलेट बाय ए मोजी स्टोन, मोजी का मतलब होता है काई लगे हुए स्टोन के ऊपर. जिस प्रकार काई लगी हुई एक स्टोन के ऊपर एक वॉयलेट कलर का फूल उगाता है, वह उसके समान सुंदर फूल के समान है, क्योंकि वो मोजी लगी होती है, काई लगी होती है, तो वो फूल बहुत कम दिख पाता है. इसीलिए कहता है हाफ हिडन फ्रॉम द आइज, जो लोगों की आंखों से आधी छुपी हुई है, मतलब लूसी की सुंदरता लोगों की आंखों से आधी छुपी हुई है. फेयर एज स्टार मतलब एक चमकते हुए तारे की तरह. व्हेन ओनली वन, जो एकमात्र है. फेयर एज स्टार इन वे, फेयर एज ए स्टार एक तारे की तरह. व्हेन ओनली इज शाइनिंग इन द स्काई, जो सिर्फ एक है और आसमान में चमक रहा है. सी लिव्ड अननोन, वह बहुत ही अनजानी मतलब अननोन, लोग उसे जानते नहीं है. एंड सी लिव्ड अननोन, वह अनजानी रहती है. एंड फ्यू कुड नो, और बहुत ही कम लोग उसे जानते हैं. व्हेन लूसी सीज टू बी, अब उसे डर हो गया है कि वो उसकी जो बिलविड है लूसी है वो मर जाएगी. उनकी जितनी भी ये लूसी पोएम है, लूसी पोएम के सभी एंडिंग पॉइंट पर वो उनके मरने का जिक्र करता है, उनके मरने का डर दिखाता है. तो कहता है कि व्हेन लूसी सीज टू बी, जब लूसी जकड़ ली जाएगी या फिर जब लूसी मर जाएगी, फिर उसे याद आता है बट सी इज हर ग्रेव, सी इज इन हर ग्रेव, वो उसे याद आता है वो तो पहले से ही कब्र में है. एंड ओ मतलब दुख भरी आह लेते. ओ द डिफरेंस टू मी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है. तो इसका मतलब पहले तो वह उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है, फिर धीरे 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 उसे डर होता है कि कहीं वह मर ना जाए, फिर उसके दिमाग में आता है कि उसकी बिलविड तो मर चुकी है. थैंक यू फ्रेंड्स, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें. थैंक यू.